दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसे कि हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, तो क्लासिफिकेशन में आज तीसरा टाइप है। दो टाइप हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है, तीसरा टाइप है संख्याओं के आधार पर। ठीक है, संख्याओं के आधार पर इसमें पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, वही जैसे सेम विषम ढूंढना होता है, तो इसमें भी वही होता है, विषम ढूंढना होता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जितने भी एग्जाम होते हैं सारे एग्जामों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। पहला क्वेश्चन जैसे 169, 196, 255, 289। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में क्या देखना होता है, ज़्यादातर स्क्वायर होते हैं या ज़्यादातर क्यूब होते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं हम, इसमें क्या है, ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर है। ठीक है, ये किसका है, ये 13 का स्क्वायर है। ठीक है, ये 14 का स्क्वायर है और ये स्क्वायर नहीं है किसी का, ये 17 का स्क्वायर है। तो आंसर क्या हो गया, सी। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हमें और ढूंढना होता है कि विषम संख्या ढूंढनी होती है। क्या है ये, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं है, सारे स्क्वायर थे। ऐसे ही आगे देखते हैं दूसरा, इसमें क्या है, 382, 671, 253, 385। इसमें क्या है, विषम ढूंढना है। अगर हम सारी संख्याओं को 11 से डिवाइड करें तो इसमें पहली संख्या ये 11 से डिवाइड नहीं होंगी और सारी 11 से डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे में क्या है, इनका अंतर करें अगर तो सबका अंतर सेम आ रहा होगा। ठीक है, जैसे इसका अंतर करें तो 3 आ रहा है, ऐसे इसका इसका भी 3 है, इसका अंतर करें तो इसका आ रहा है 4 और इसका 3, तो इसका अंतर 4 है, ये अलग है और सब में सेम अंतर था 3, इसलिए आंसर हो गया सी। ठीक है, सबका अंतर सेम है। चौथे में देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें क्या है, जो राइट वाली संख्या है इसकी मल्टीप्लाई करनी है लेफ्ट वाली संख्या में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को अच्छे से मिलते हैं। ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। इसकी मल्टीप्लाई करा इसमें तो कितना हो गया 15, और इसका करा तो 24, सही। इसका करा तो ये हो नहीं पाया क्योंकि यहाँ 16 होना चाहिए था, 17, तो आंसर क्या हो गया, सी। ऐसे आगे करेंगे तो इसका यही हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन सारे एग्जामों में देखने को मिलते हैं, है ना। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, छठा क्वेश्चन। छठा क्या है, अगर छठा और सातवां सेम है, जिसमें ऐसा कुछ नहीं देखा जाता कि ये कॉमा है, ये माइनस है, साइन, ऐसा कुछ नहीं होता। बस इसमें क्या करना होता है, इसमें रिलेशन बताना होता है, इस संख्या का इस पर कोई रिलेशन है, इसका कोई इससे रिलेशन है, ऐसे देखा जाता है। तो देखते हैं, 3 और 2, 5, 1, इनको जोड़ दिया तो 6, और इनको प्लस करें तो इनको प्लस करने पे 8 आ रहा है, सही है। इनको प्लस करें तो 7 आ गया, ये भी सही है, लेकिन इनको प्लस करा तो ये प्लस 3 नहीं आया, क्यों, क्योंकि 4 आ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, डी, ऐसा ही। आगे देखते हैं सात, इसमें भी क्या था प्लस, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इन दोनों में तो वही सेम, कौन सा कर रहे थे, हम ये वाला कर रहे थे। ठीक है, इसमें क्या था, सेम ऐसे भी इसमें प्लस करना था, तो हमने इसको देख लिया। इसमें देखते हैं अगर, तो इसमें भी 6 हो गया, इसका करेंगे तो कितना, 9, ये भी सही, और इसको करा तो 4, 3, 7, 7, 5, 13। ठीक है, नहीं, अगर इसको हम प्लस करें 4, 3, 7 और 5, 12 हो रहा है, लेकिन यहाँ 13 लिखा हुआ है, इसलिए आंसर क्या हो गया, सी। ऐसे 7 तो देख ही लिया हमने, इसमें सबको प्लस करना था, यहाँ 4 हो रहा था लेकिन यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो क्या हो गया ये। ठीक है, 7 हो गया, 6 क्वेश्चन हो गए। 7वां देखते हैं, 7वें में क्या है, ये SSC CGL का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का है। तो इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, इनका इससे रिलेशन बताना है और इसका इससे आगे रिलेशन ऐसे बताना है। तो ठीक है, इसका रिलेशन कैसे निकालेंगे, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई नहीं, 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, 18, और इसमें से 1 माइनस करें तो कितना आ रहा है, 17। ठीक है, ऐसे इसको आगे करें 48, इसको 2 से डिवाइड करें कितना आया, 24, 24 में कितना माइनस कर दें, 3, तो कितना आया, 21। ऐसे ही आगे 56, इसको हम करें 2 से डिवाइड, क्योंकि 2 से ही डिवाइड करना है। ठीक है, 2 से डिवाइड करा तो कितना आया, 28, इसमें से माइनस कर दिया 3, तो कितना आ गया, 25। ऐसे इसमें भी करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे जो आएगा, उसमें से 2 माइनस करेंगे 31 आ जाएगा। तो हमें साफ पता चल रहा है सब में यही होगा, क्या इसमें ए में नहीं हो रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ 1 1 करने पे आ रहा था, तो आंसर क्या हो गया, ए। ठीक है,
ये था। ऐसे आगे वाला देख लेते हैं, आठवां, आठवें में क्या है, वन टू थ्री, ठीक, वन टू थ्री, इसका इससे संबंध बताना, इससे आगे सबका संबंध बताना है। तो हमें क्या करेंगे, अगर जैसे हम क्या करें, इनमें से माइनस कर दें, क्योंकि अगर अंतर भी समान हो गया दोनों संख्याओं का तो भी रूल फॉलो होता है। अगर हम इसमें से माइनस करें तो यहाँ 25 आ रहा है, और इसमें से अगर इसको माइनस करें तो यहाँ कितना आ रहा है, ठीक है 25 आ रहा है, 25, ठीक है, 14 में से 9 5, यहाँ भी 25 आ रहा है, 5 में 25, ठीक है, यहाँ 25 आ रहा है, यहाँ करें तो 8 में से 11 में से 5 6, यहाँ 7 में से 5, यहाँ भी 25 आ रहा है, लेकिन यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ 24 आ रहा है, ठीक है। तो पता चल गया, क्योंकि यहाँ सबका अंतर सेम था और इसमें अंतर सेम नहीं था, तो आंसर क्या हो गया, डी। ऐसे ही नवा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, 9 6 8 7, अगर ऐसी संख्याएं दे रखी हो बहुत सारी, अगर हम इनका सबका सम करें, अगर सेम संख्या आ गई तो आंसर हो जाएगा हमारा। लेकिन अगर जैसे क्या करते हैं हम, अगर इनको प्लस करें सारी संख्याओं को, जितने अंक हैं डिजिट सबको प्लस करें तो क्या होनी चाहिए, एक संख्या आ जाए तो आंसर हो सकता है। देखते हैं, 9 6 15 15 और 8, 15 5 20 20 और 3 23 7 30, 30 हो रही है, इसको प्लस करें तो 8 7 15 15 6 21 9 30, ये भी 30, इसको करें 9 4 13 13 13 और 7 19 19 26, तो ये 30 नहीं हो रहा, ठीक है, इसको करें 9 8 17 9 8 17 कर दिया, 9 8 17 17 और 7 24 36, ये भी 30 हो गया, क्या ये 30 नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। ऐसे ही आगे देखते हैं, अगर इसका अंतर भी नो क्या बोलते हैं 30 हो जाता तो ये नहीं होता, लेकिन इसका 30 नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसका देखते हैं, 27 35 18 9, अगर कोई संख्या जैसे ऑप्शन दे रखी है, अगर एक ही संख्या सबको काट दे तो वो भी हो सकता है, जैसे अगर हम 9 से काट दें सारी संख्याओं को तो ये भी कट जाएगी 9 से, ये नहीं कटेगी, ये भी 9 से कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, तो इसका आंसर हो गया ये, क्योंकि ये 9 से नहीं कट रही है, ठीक है, इसका 9 का गुणज नहीं है। ऐसे ही 11 क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 11वां, इसमें क्या है, जैसे बड़ी सी संख्या दिखे तो घबराना नहीं है, बड़ी संख्याओं का मतलब आंसर बहुत ही आसान होता है। जैसे देखते हैं, ये क्या है, ये 4 का स्क्वायर है और ये 5 का है, ठीक है, ये 5 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, दो दो संख्याओं का जोड़ा ले लिया हमने यहाँ, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये कितने का है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है 50, ठीक है, 4 था, इसके बाद वाली संख्या, फिर इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, जैसे जो पहले एक संख्या थी उसके बाद वाली संख्या का अगली संख्या, इस ऊपर वाली संख्या क्या सी है, स्क्वायर थी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए ज़्यादातर क्या होता है, स्क्वायर आते हैं या क्यूब आता है, तो आप स्क्वायर और क्यूब अच्छे से याद कर लो, अगर याद नहीं है तो मेरी एक वीडियो है स्क्वायर और क्यूब निकालने की, उसे एक बार देख लेना, आपको स्क्वायर और क्यूब निकालना आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जितने भी संख्याओं के आधार पर क्वेश्चन बनते हैं क्लासिफिकेशन के, इनमें से ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो बस आपको समझ आ गया होगा, ऐसे ही टाइप होते हैं, बस संख्याएँ चेंज होती हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें आगे अच्छी वीडियो पाने के लिए, क्योंकि मैं सारे जितने भी 38 और 40 चैप्टर जितने भी रीजनिंग के होते हैं मैं सारे चैप्टर ख़त्म करा दूंगा बहुत ही अच्छे लेवल से, अच्छे से, और हम कल देखेंगे अगली वीडियो में सारे मिक्स क्वेश्चन, जो सारे गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो सारे अगली वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।